नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे सुकमा से मिल रही बड़ी खबर के साथ। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए हैं, 14 जवान घायल हुए हैं जिन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा है। घायल जवानों का एयरलिफ्ट किया जा रहा है। टेकलगुड़ा में ये मुठभेड़ हुई थी और इस बीच बेहद ही दुखद खबर, 3 जवान शहीद हो गए हैं। हालांकि बाकी के जो जवान घायल हुए हैं उनका एयरलिफ्ट किया जा रहा है। लगातार जवानों और नक्सलियों की मुठभेड़ की खबरें सुकमा से आती हैं, लेकिन इस बीच नक्सलियों ने हमला करने की कोशिश की जवानों पर और 14 जवान यहां पर घायल हो गए हैं। नक्सली नहीं चाहते थे कि वो वहां पर कैंप लगाए, जिसके विरोध में उन्होंने फायरिंग शुरू की। 14 जवान इस बीच घायल हुए हैं और 3 जवान शहीद हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें सुकमा से, पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़, तकरीबन 4 बजे तक मुठभेड़ चलने की खबर है। 3 जवान इसमें शहीद हो गए, 14 जवान घायल हैं। घायल जवान एयरलिफ्ट कर लिए गए हैं। टेकलगुड़ा में ये मुठभेड़ हुई। सहयोगी सत्यनारायण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास लिए चलेंगे। सत्यनारायण, दुखद खबर, 3 जवानों की शहादत। क्या अधिकारी इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि बाकी जवान सुरक्षित हैं, वो उस इलाके से बाहर आ चुके हैं? सत्यनारायण जी, आपको बता दूं कि जवान जो है अभी फिलहाल घायल जवान है वो सुरक्षित हैं, क्योंकि वहां पर कैंप जो है स्टेब्लिश करने का काम किया जा रहा था और एकाएक दोपहर 12 बजे नक्सली वाद धमकी और नक्सलियों की जो बटालियन है वो चौतरफा हमला कर दिया और जवान संभल पाते तब तक जो है कुछ जवान घायल हो चुके थे और घायलों को बचाने का प्रयास किया गया, एयरलिफ्ट किया गया। लेकिन इस बीच जो खबर आई कि 3 जवान की शहादत हो गई है, बाकी 14 जवान सुरक्षित है, सभी का इलाज चल रहा है, प्राथमिक इलाज चल रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अधिकांश जवान जो है वो बीजीएल के जो छर्रे होते हैं उनसे घायल हुए हैं, जिन्हें किसी के हाथ में चोट आई है, किसी के पैर में चोट आई है। लेकिन 3 जवान जो शहादत की खबर आ रही है उन्हें गोली लगी थी और हालांकि अभी तक जो है आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि अधिकारी जो एसपी है वो खुद मौके पर मौजूद है, वो सुबह खुद वहां पर। ठीक है सत्यनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक शुक्ल जुड़ गए हैं, न्यूज एडिटर। अभिषेक जी, ये कहा गया था बीजेपी की तरफ से सरकार बनते ही कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना है, जिसके बाद लगातार ऑपरेशंस चलाया जा रहा था। इस बीच सुकमा से जो खबर आई है बेहद दुखद कि 3 जवान तो शहीद हो गए हैं लेकिन बाकियों का एयरलिफ्ट किया जा रहा है। फिलहाल आपके पास क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए 3 जवानों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, 3 जवानों के शहादत की खबर है और निश्चित रूप से दुखद है ये खबर। जवान कैंप स्थापित करने गए हुए थे। देखिए सरकार की सुरक्षा बलों की फिलहाल स्ट्रेटजी रही है कि कैंप स्थापित किए जाए जहां पर भी नक्सल मूवमेंट ज्यादा होता है, जहां पर भी नक्सली ज्यादा समस्या पैदा करते हैं। जवानों की स्ट्रेटजी होती है कि वहां पर एक कैंप बना लिया जाए, कैंप बनाने के बाद आसपास का जो एरिया होता है उसे वो कवर करने की कोशिश करते हैं और फिर इलाका धीरे धीरे सुरक्षित हो जाता है। बस्तर में ऐसी कई सफल स्ट्रेटजी सुरक्षा बलों ने अपनाई है कैंप बनाने के बाद। यहाँ पर भी वही प्रयास था उनका कि यहाँ पर भी कैंप बनाया जाए। कैंप स्थापना के बाद वो गश्त कर रहे थे, सर्चिंग कर रहे थे और कैंप से नक्सलियों को बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि धीरे धीरे नक्सलियों के पैर उखड़ने शुरू हो जाते हैं जिन इलाकों में कैंप सुरक्षा बल बना लेते हैं। यही था और नक्सलियों ने गश्त करती टीम पर यहाँ पर हमला किया है, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए हैं और 14 घायल हुए हैं जिनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है। जहां तक सरकार की बात है, सर गृह मंत्री ने इस बात को कहा भी है कि बातचीत के भी रास्ते खुले हैं और अगर बातचीत के जरिए बात नहीं बनेगा तो सुरक्षा बल एग्रेसिव रणनीति अपनाएंगे। नई सरकार जब से बनी है तब से लगातार एग्रेसिव रणनीति पर ये काम कर रहे हैं और सुरक्षा बल लगातार अंदर जा रहे हैं, अंदर अंदरूनी इलाकों में गश्त कर रहे हैं और यही वजह है कि लगातार कई बार टकराव की स्थितियां बनती है, मुठभेड़ की होती है आमने सामने की और दोनों ही तरफ से नुकसान उठाना यहाँ पर पड़ रहा है। कई बार सुरक्षा बलों को नुकसान हो रहा है और कई बार बड़ी तादाद में नक्सलियों को भी नुकसान पहुंचाया है सुरक्षा बलों ने। और आज जो अभी खबर है उसमें फिलहाल जवानों के शहीद होने की खबर है, लेकिन इसमें ये तय है कि नक्सलियों को भी बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाया होगा, जिसकी क्योंकि काफी इंटीरियर इलाका होता है, प्रायोरिटी जवानों को उपचार देना होता है, इसलिए ये खबरें आई हैं कि फिलहाल उपचार दिया जाए। लेकिन
नक्सलियों को भी नुकसान जरूर हुआ होगा, जिसकी खबरें देर सवेरे जरूर आएंगी। बहुत शुक्रिया अभिषेक जी जुड़ने के लिए साथ और जानकारी भी साझा करने के लिए, विस्तार से बताने के लिए। सत्यनारायण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, ये कौन सा इलाका है, इसको भी जरा विस्तार से समझाइए कि कहां पर नक्सली नहीं चाहते थे कि जवान कैंप लगाए, और जब जवानों ने कैंप लगाना शुरू किया तो फायरिंग शुरू कर दी गई। आपको बता दूं, ये इलाका जो है सुकमा और बीजापुर का सीमावर्ती इलाका है। ये 2021 का जो अप्रैल महीने में उसी इलाके में नक्सलियों ने घेर कर जवानों को, 22 जवानों की शहादत हुई थी उस मुठभेड़ में। टेकलगुड़ा गांव है उसी इलाके में, जवान चाहते थे कि उस इलाके में कैंप खुले, उस इलाके में शांति बहाल हो। इसी मद्देनजर जो है जवान सुबह सुकमा से निकले थे, वहां पहुंचे हैं, कैंप स्थापित करने की कोशिश कर ही रहे थे। तभी जो आउटर होता है करीब जहां कैंप खुलता है उसके आसपास 1 किलोमीटर के इलाके में जवान तैनात रहते हैं और लगातार सर्चिंग करते हैं ताकि नक्सली ना आए। तो वो आउटर में जो है नक्सलियों ने चौतरफा हमला किया, और ये इलाका काफ़ी संवेदनशील इलाका है, कोर इलाका है नक्सलियों का। और नक्सलियों की जो बटालियन है, जो बटालियन नंबर 1 है जिसको हिरमा लीड कर रहा है, वो इस इलाके में काम करती है। और बटालियन से ही आज मुठभेड़ हुई है, और करीब 4 घंटे तक जो है फायरिंग चली है, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक। जो सोर्स बता रहे हैं कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे नक्सली, चारों तरफ से बमबारी कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि नक्सली कहाँ से हमला कर रहे हैं। घेरने का प्रयास नक्सली कर रहे थे, लेकिन जवान वहाँ पर मुस्तैद थे, जवानों ने लगातार जवाबी कार्रवाई की है, और अभी भी जवान उस इलाके में मुस्तैद है और कैंप जो है लगभग स्थापित कर चुके हैं। यही दरअसल जो आपकी आपकी आखिरी जानकारी है, यही सबसे बड़ी चिंता है सत्यनारायण, कि जवान अभी उस इलाके में है। अगर 12 से 4 बजे तक लगातार फायरिंग हो रही है, यह समझा जा सकता है कि नक्सली किस तैयारी से है। अधिकारी कोई साफ जवाब दे पा रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? सत्यनारायण, अधिकारी भी वहाँ मौजूद है वहाँ पर, हालांकि वहाँ उनसे जो है संपर्क नहीं हो पा रहा है क्योंकि उस इलाके में नेटवर्क नहीं है। उस इलाका काफ़ी कोर इलाका है, वहाँ पर नेटवर्क नहीं है, वहाँ पर सड़क नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार उस इलाके में कैंप खुले हैं। आपको बता दूं कि पिछले जो है कुछ महीनों में 16 से 17 कैंप खुले हैं, और लगभग सभी कैंपों में यही स्थिति रही है, नक्सली वहाँ पहुँचे हैं और अपना जो आक्रामक हमला किया है, लेकिन जवान पीछे नहीं हटे, वहाँ कैंप खोल कर ही चैन लिया। और यही आज भी यही हुआ है कि वहाँ पर नक्सली पहुँचे हैं, क्योंकि उनके गढ़ में अब जवान जा रहे हैं, उनके कोर इलाके में जवानों की दस्तक हो रही है। अगर कैंप खुलेगा तो उस इलाके में शांति बहाल होगी, और नहीं चाहते कि नक्सली वहां मौके पर पहुंचे हैं, और चार तरफा जो है तैयारी के साथ हमला किया है। लेकिन जो सोर्स बता रहे हैं कि अभी जो है 4 बजे के बाद में फायरिंग नहीं हुई है, क्योंकि जवानों ने जवाबी कार्रवाई की है, और इसमें नुकसान जो है नक्सलियों को भी हुआ है। हालांकि अभी तक ये सामने नहीं आई कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन नक्सलियों की तादाद भी काफी थी और नुकसान भी उनको काफी ज्यादा हुआ है। तो बहरहाल जवान वहां पर मौजूद है, अभी जो सोर्सेज बता रहे हैं कि खतरे की कोई बात नहीं है, पूरे मोर्चे जवान संभाले हुए हैं, मौके पर एसपी खुद मौजूद है, किरण चौहान वहां पर मौजूद है। अक्सर जब कैंप खुलता है तो एसपी खुद मौके पर जाते हैं, वहां पर डीएसपी वहां पर मौजूद है, सीआरपीएफ के आला अधिकारी मौजूद है। उस कैंप खोलने के लिए लगातार सुकमा में बैठकें हुई है, सीआरपीएफ के डीजी और बड़े अधिकारी यहां पर आए। इस मुठभेड़ के दौरान सत्यनारायण, क्या मौके से कोई भी चीज मिली है? जिस तरीके से नक्सली कोशिश करते हैं आईईडी लगाने की, तो इस तरह की चीजें भी जवानों को पहले मिल चुकी हैं, तो ऐसी कोई चीज, कोई हथियार? दरअसल उस इलाके में जब भी जवान जाते हैं या कैंप खोलना या सर्चिंग करने, तो जरा उनको आईडी तो बरामद होता ही है, लेकिन अभी मौके पर क्या बरामद हुआ है अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई, क्योंकि जो जिला मुख्यालय पुलिस अधिकारी है उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है, पूरी स्थिति स्पष्ट बाहर नहीं आ रही है। जैसी मुठभेड़ बंद हो जाएगी और देर रात तक जो है पूरी चीजें बाहर निकल कर जाएगी, जब अधिकारियों से बातचीत होगा तब पूरी चीज समझ में आएगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन पूरी गोपनीयता बरत रहा है, क्योंकि उस इलाके में जवान मौजूद है, कोई ऐसी चीजें बाहर ना आए जो नक्सलियों के लिए बेनिफिट हो सकती है। तो सारी बातें जो है गोपनीयता के साथ में बरती जा रही है, और पुलिस अधिकारी भी कुछ कहने से बच रहे हैं। जी सत्यनारायण, इन इलाकों को बहुत करीब से आप जानते हैं, मुझे बताइए टेकलगुड़े में क्या क्यूआरटी भेजे जाने की जरूरत है, या इस बात की कोई गारंटी कि लगातार मदद वहां पर पहुंचाई जा सक रही है? सत्यनारायण, क्योंकि वो इलाका काफी सोलिस इलाका है, लेकिन वहाँ आसपास जो है कैंप स्थापित है, वहाँ पर 5 किलोमीटर के, 5 और 10 किलोमीटर के जो इलाका है वहाँ पर कैंप ऑलरेडी मौजूद है। जो घायल जवान है उनको वहाँ सिलगेर लाया गया है, वहाँ पर उनका प्राथमिक उपचार किया गया है। तो अभी फिलहाल जो है वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बल मौजूद है, आसपास कैंपरों से लगातार संपर्क है, बना हुआ है। अगर किसी स्थिति में अगर जवानों को वहाँ पर जाना भी पड़े तो वहाँ पर जवान जा सकते हैं, वहाँ पर हेलीकॉप्टर उतारा गया है, तो आप मान सकते हैं कि अगर हेलीकॉप्टर वहाँ उतारा जा रहा है तो काफी सुरक्षित इलाका होगा, क्योंकि जब कैंप खुलता है तो आसपास 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर इलाके को जवान घेरते हैं। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा सत्यनारायण, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए।